जय सिया राम, वंदे मातरम, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। सोशल पर मैं देख रहा था कि एक कथाकार हैं निग्रहाचार्य जी महाराज, देखने में तो बहुत अच्छे हैं, बोलते भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रकार से सनातन संस्कृति, हिंदू, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद के बारे में चिंता और चिंतन करने वाले संतों के बारे में कटाक्ष करते हैं। वैसे भी देश में तमाम कथाकार हैं जो कथा के माध्यम से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, खूब खूब धनार्जन करते हैं, लेकिन हिंदू कैसे बचे, हिंदुत्व कैसे बचे, सनातन संस्कृति कैसे बचे, कैसे गौ माता सुरक्षित रहे, कैसे ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो धर्मांतरण का धंधा चलता है वो कैसे बंद हो, कैसे लव जिहादियों के चक्कर में हमारे बहन बेटी बहुओं जो 72 टुकड़े, 35 टुकड़े, 40 टुकड़े किए जाते हैं, उसकी रक्षा कैसे हो सके, इस पर उनकी चिंता और चिंतन नहीं है। चिंता किस पर है, तो बागेश्वर सरकार कैसे उन चादर और फादर से बचाकर हिंदुओं को सनातनी कैसे बना रहे, ये उनको दिक्कत है। कैसे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज हिंदू राष्ट्र मोदी प्रधानमंत्री पुनः बने, इस पर बोलते हैं, उस पर वो कमेंट करते हैं, ये उनको जानकारी है। कैसे रमन रेती वाले महाराज जी सनातन पे कार्य करते हैं, उन पर कमेंट करें, ये उनको आता है। कैसे और सनातनी संत मलुकपीठ वाले महाराज जी, उस पर वो कमेंट करेंगे, लेकिन दम नहीं है कि वो जिस प्रकार से ये फादर वाले लोग ईसाई मिशनरी भगवा वस्त्र पहनकर, माला पहनकर, रुद्राक्ष पहनकर, नाम तो वही रहेगा, नाम के आगे तमाम ऑल पॉल सॉल लगाकर और दुआ, भभूत, जल, झार, फूक दिखाकर और हिंदू का धर्मांतरण करते हैं, उस पर एक शब्द इस निग्रहाचार्य की नहीं निकलती है। और तो जिस प्रकार से पूरे देश में लैंड जिहाज, लव जिहाज, जिम जिहाज, मठ मंदिर की जमीन कब्जा करने की जिहाज, किस प्रकार से बहन बेटी बहुओं का इज्जत लूटने का जिहाज का प्रोपोगंडा चलता है, उस पर ये निग्रहाचार्य नहीं बोल सकता है, उस पर इसकी जवान नहीं खुलती है। दुर्भाग्य की बात है, अगर आपको कोई समस्या है तो आप शास्त्रार्थ कर लो, बैठ लो, संवाद कर लो, लेकिन मैं पुनः चेतावनी देता हूं निग्रहाचार्य तुमको, इस प्रकार से आप संतों का अपमान करेंगे तो ये बर्दाश्त से बाहर है। आपके अंदर विद्वता है, अच्छी बात है, उस विद्वता का प्रयोग सनातन के लिए करिए ना। आप आज हिंदू बचा है तब जाकर अयोध्या में डेली 4 से 5 लाख लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं। आज आपको पाकिस्तान में तो कोई नहीं बुला रहा है, निग्रहाचार्य को नहीं जानता, अफगानिस्तान में कोई निग्रहाचार्य को नहीं जानता, बांग्लादेश में कोई निग्रहाचार्य को नहीं जानता। जिस प्रकार से पूरे देश में रोहिंग्या मुसलमान का अत, जिस प्रकार से पूरे देश में बांग्ला घुसपैठी की अत, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर से कश्मीरी ब्राह्मण मारे गए, काटे गए, सताए गए, भगाए गए, जिस प्रकार से पूरे देश में सनातन धर्म संस्कृति पर कुठाराघात, उस पर निग्रहाचार्य तुम नहीं बोल पाते हो। लेकिन अगर बागेश्वर सरकार सनातन पे बात करते, सनातन संस्कृति पे बात करते, हिंदू पे बात करते, हिंदुत्व पे बात करते, राष्ट्रवाद पे बात करते तो तुमको परेशानी होती है। जिस प्रकार से रामभद्राचार्य जी महाराज बात करते तुमको तकलीफ होती है। अगर किसी विषय को लेकर आपको तकलीफ है तो बैठकर संवाद कर लो, साथ कर लो, लेकिन इस प्रकार से संतों के बारे में टीका टिप्पणी करोगे तो तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। पुनः मैं चेतावनी देता हूं, जवाब देता हूं, ये अच्छी बात नहीं है,
इसके नाते चेत जाओ, सचेत हो जाओ, सनातन पर, सनातन संस्कृति पर, हिंदू पर, हिंदुत्व पर सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से जो हिंदू ग्रसित है उसको एक मंच पर लाओ, सनातन को मजबूत करो, इस पर काम करो, अपनी विद्वत्ता लगाओ। लेकिन इस पर विद्वत्ता मत लगाओ, तुम अपनी पता है जितने बड़े तुम विद्वान हो, अच्छी बात है विद्वत्ता, लेकिन इस विद्वत्ता के अहंकार में जिस प्रकार से संतों का अपमान करोगे नहीं चलेगा। वागेश्वर सरकार लगातार सनातन पे काम करते हैं, उनके साथ हैं, चादर और फादर वाले को जवाब देते हैं, और भी हमारे धर्मगुरु हैं सनातन पे कार्य करते हैं, लेकिन इस प्रकार से टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं।